पुष्कर नगर पालिका एवं स्थानीय प्रशासन ने खरेखड़ी रोड पर स्थित शिरीन अरावली रिसोर्ट को सीज कर दिया। आरोप यह है कि होटल मालिक ने पट्टा कम जमीन का लिया और निर्माण ज़्यादा पर है, साथ ही सरकारी ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया। आखिर गलियारे में चर्चा है कि पुष्कर नगरपालिका ने इतनी दूर जाकर यह कदम उठाया है। हालांकि ये कदम सराहनीय है, लेकिन पुष्कर सरोवर के पीछे डूब क्षेत्र में सैकड़ों होटल जिनके नाले पुष्कर फीडर में छोड़े जा रहे हैं, बिना अनुमति के बन गई होटलें, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन पुष्कर नगरपालिका स्थानीय प्रशासन ने इतनी दूर जाकर, पुष्कर से 8 किलोमीटर दूर जाकर जो कार्रवाई की है, काफ़ी सराहनीय है। लेकिन जो सरोवर के आसपास होटलें बन रही है जिनका पानी सीवरेज का, कहीं ना कहीं पुष्कर सरोवर में ही बहकर आएगा, पुष्कर की पवित्रता भंग होगी। इसके अलावा देखा जाए तो पुष्कर के चारों ओर रिसोर्ट ही रिसोर्ट बन रहे हैं जिनका सबका पानी पुष्कर फीडर, लीला सेवड़ी फीडर, अन्य जो भी फीडर है उसमें आ रहा है। और बड़े बड़े रिसोर्ट वालों ने ज़मीन खरीदी थोड़ी और कब्जा ज़्यादा पर है, लेकिन उन पर अभी तक कार्रवाई बाकी है। हालांकि जिला कलेक्टर ने भी कृषि में अकृषि कार्य करने वाले होटल रिसोर्ट मकानात के खिलाफ कार्रवाई करने के संकेत दिए थे। कलेक्टर के आदेशों की भी पालना जल्द की जाएगी। पुष्कर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी बनवारी लाल मीणा ने बताया कि जो कब्जा किया जा रहा है उनको हटाना है। पुष्कर व पुष्कर के आसपास कई ऐसे रिसोर्ट है कि जिनकी जमीन तो थोड़ी है और कब्जा ज़्यादा पर है। लंबे समय के बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई है, क्या रही? ये एक खरीकड़ी रोड पर एक रिजॉर्ट का संचालन यहाँ पर किया जा रहा था, जो अवैध रूप से इसका निर्माण कर रखा था। नगरपालिका ने जो स्वीकृति दे रखी थी उसका उल्लंघन करके निर्माण किया हुआ था, सरकारी भूमि पर भी निर्माण किया हुआ था। इसकी जब हमको शिकायत प्राप्त हुई तो उसके लिए हमने टीम गठित करके इसकी जाँच करवाई है, और उसके बाद इस अवैध निर्माण को आज हमने कार्रवाई करते हुए पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में इसको सीज किया है। कितने कमरे हैं सर, कितनी जगह में? ये लगभग जो है पूरा रिजॉर्ट है वो लगभग 15 बीघा में है, 12 से 15 बीघा के बीच में बना हुआ है, और इसमें टोटल हमने जो सीज़ किए हैं वो 35 कमरे हैं। सर किसने की चीज़ शिकायत? नहीं, शिकायत तो एक जनरल होती है, नगरपालिका का काम है कि वो सरकारी भूमियों की रक्षा करे, और अवैध रूप से अगर कोई निर्माण करता है तो नगरपालिका अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई करें। तो जैसे ही हमारे ये संज्ञान में आया उसके खिलाफ़ हमने कार्रवाई प्रस्तावित की और आज इसको सीजर किया है।